भाई ये टोपी देने लगे हैं शायद भाई को। हेलो जे, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना, आज का व्लॉग भी एक बड़ा सा बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक जगह सेलिब्रेशन के लिए। एक हिसाब से जैसे कि अगर आपको पहले पिछली कहानी बताई जाए, 30 अप्रैल को जो है ना, हमारे ग्रुप के मेंबर अब्दुलरहमान असलम की जो है वो बर्थडे थी। तो हमने रात को 12 बजे जो है वो उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, छोटी मोटी ना। हमारे पेपर्स चल रहे थे उस वजह से, फिर हमने वो सेलिब्रेशन को ही ऐसे एज इट बड़ी सेलिब्रेशन ही की। और हमारे एक और जो ग्रुप मेंबर हैं जाहिर, उसकी भी जो है 5 मई को बर्थडे थी, और हमने उसकी भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सेलिब्रेशन करके ना, तो हमने सारा वाइंड अप किया था काम। एक दो छोटी मोटी क्लिप्स बनाई थी, पहले जाके वो लोग क्लिप्स देखें। अस्सलामुअलैकुम यार, आज जट की जो है ना बर्थडे, उसे सरप्राइज पार्टी देने लगे, उसे पता नहीं है, हमने फील भी नहीं कराया था। स्प्रे पेंट कर रहे हैं, शायद चिट्टा हो जाए। भाई ये टोपी देने लगे हैं जाहिद भाई को, सॉरी जाहिद भाई को। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना जाहिद भाई ने ले लिया टोपी, आ जाओ आप आ जाए। जी हैं, शर्मा साहब हैं। हैप्पी बर्थडे डियर शानी। ने स्ट्रीक सेंड की थी, अब जो है, अब हम सेलिब्रेशन तो की थी, पर अब हम उनसे ट्रीट लेना चाह रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा, इस जगह ट्रीट खाने जा रहे हैं यार। रोटी शोटी आज जो खाएंगे, जरा एक मजा आएगा जरा उस चीज का ना। तो भाई लोग, हम लोग अब निकलने लगे हैं, ठीक है। ये सारे भाई लोग, ये सारे दोस्त हैं, तो समा भाई, साकी भाई, ये जट साहब, चांदी भाई, वो जाहिद भाई, आ जाओ यार, चले। वेट अ मिनट, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस, हम लोग इन जगह पे पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, ये स्पाइस अरीना होटल है, ये सारे बॉयज आ चुके हैं यहाँ पे। तो आज का वेन्यू ये है, और आप जाके खाना खाना खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, सुबह का सारे नाश्ता किया हुआ है, ये सारे लोग आ चुके हैं। आते ही मुंह शुद्ध होना शुरू कर दिए लोगों ने, ये चेक करें। नदी भाई इतना लंबा था, मुंह के नए नक्शे बदल गए।
गाइस खाना शाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत जबरदस्त खाना था, क्वांटिटी और क्वालिटी जबरदस्त थी और माहौल तो आप देख ही रहे हैं। तो अभी सीन ये है कि ऊपर जो है पार्टी चल रही है और हम लोग इनवाइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम घुसेंगे, हमें फिर भी जो है बिन बुलाए मेहमान की तरह हम जा रहे हैं। तो देखते हैं ऊपर क्या सीन चल रहा है। मतलब बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है ना यहाँ का। ये चेक करें ज़रा, ये इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का टोटल। ये स्पाइस अरीना और ये पूरा इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत ही अच्छा माहौल और फाउंटेन्स हैं, पीसफुल माहौल है, सॉन्ग्स लगे हैं साथ और साथ साथ मतलब इनकी फूड की क्वालिटी और मतलब बिल्कुल रेट्स भी इनके बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये चेक करें ज़रा, मतलब ग्रीनरी और पार्किंग के फुल जगह है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा होटल है माशाल्लाह। रेकमेंडेड है ये आप सबके लिए, जो जो देख रहे हैं अगर वो आना चाहें तो मस्ट इसको विज़िट करें यहाँ पे। ये सारे ये भाई लोग सारे यहाँ पे खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं मौसम। भाई इसमें लिमिट भी होती है, बाकी आप पैदल आना यार, पैदल सीढ़ियों से आना यार, रोको यार एक मिनट, पूरे कुंभे को बुला लो भाई आप। ओ भाई रुक खोल दे। ओ ओ ओ हो बाय बाय यार, बाय बाय भाई 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 लिफ्ट जाओ, पहली बार आया यार। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज बड़ा एंजॉय किया है यहाँ पे। ये स्पाइस एरिया एक बहुत अच्छी जगह विजिटिंग प्लेस है लाहौर के, ये कसूर वाली साइड पे ना, काहना वाली साइड पे। तो जब भी जो भी भाई लाहौर से ताल्लुक रखता है उसको चाहिए बस ये विजिट करे, फैमिली प्लेस है, बड़ा इंजॉयबल यहाँ पे जो वेदर होता है, बड़ा बेहतरीन विजिटिंग प्लेस है फैमिली के साथ। तो आई होप कि आप वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, ठीक है। सो अपना बहुत बहुत याद रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।